नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। बांधों के मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए आते हैं शासन से हर साल, फिर भी बांध हो जाते हैं धराशायी। सिद्धार्थनगर में जिले में लगातार दो दिनों से हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के द्वारा पूर्व में ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। बारिश लगातार तीन दिनों तक जारी रहेगी। बारिश ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। सोहरतगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत गंजेड़ों में लाखों रुपए खर्च कर मनरेगा द्वारा मरम्मत का कार्य करवाया गया, जिसके बावजूद भी एक तेज बारिश भी नहीं झेल पाया। नदी के किनारे रिंग बांध पर हर साल लाखों रुपए खर्च कर उक्त कटान स्थल मिट्टी से भरा जाता है। हर साल तेज बारिश से उक्त कटान धराशायी हो जाता है, जिससे उस रास्ते से आने जाने वाले लाहगीरों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है जब तक इस स्थान पर बारिश के पानी का समुचित निकास नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये हर बारिश में टूट कर बहता जाएगा। हर तरह पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रदेश में योगी राज सरकार है। अगर इस नहर से संबंधित विभाग ने इस प्रकरण पर पूरी पारदर्शिता से काम किया होता तो मानसून की पहली ही बरसात में धराशायी नहीं होता। बहुत है। क्या